टूडे वी विल डिस्कस अबाउटिकर नंबर इलेवन विच इज दर्न इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देपेप सिंपलीवल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की कि, वो कितनी है जैसे सिंपली अगर हम कहें कि अगर हमारी सप्लाई कर वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो पॉजिटिव लेवल uh, पर जा रही है

So here simply on x-axis it is the quantity, on y-axis it is the prices. And S is the supply curve. And in this state, we can say uh, that our supply curve is uh, uh, equivalent to the one. It means if there uh, whichever the percentage change in quantity supplied will be equivalent to the uh, percentage change in prices of that commodity.

Uh, upward in a positively uh, sloped, we can call. So, this is this situation is known as the elasticity of supply is greater than one. On the opposite side, the third one is a situation, elasticity is less than one. When a straight line is there, positively sloped, but the curve is started from the x-axis. कि प्राइजेस में आने वाले जो परसेंटेज चेंजेस हैं उसमें सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं दैट इज लेस सो हेयर सिंपली ऑन एक्स एक्सेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑन वाई एक्सेस द प्राइजेस आर देयर एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन आफ्टर दैट द टू डिफरेंट सिचुएशन कैन बी देयर द जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो रिफर्स टू नो चेंज इसमें मेनली क्या आ जाएगा कि सप्लाई में आपका कोई चेंज नहीं हो सकता डजन विच एवर द आर तो यहाँ पर जो आपका सप्लाई कर्व होगा दैट विल बी ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सेस द क्वांटिटी विल बी देयर ऑन वाई एक्सेस द प्राइजेस विल बी देयर चाहे आपके प्राइजेस पी वन हो चाहे आपके प्राइजेस पी टू हो इलास्टिसिटी और दप्लाई करो चेंजेस कैन बी देर नेक्स्ट वन स्टेट इज देयर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो इनफाइनाइट में मेनली क्या जाता है कि अगर आपके प्राइस में कुछ भी चेंजेस आया इट कैन क्रिएट अलॉट ऑफ बिग बिग चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी

और यहां पर क्या है कि existing price उपर, prices prices कि इन के के ऊपर ऊपर अगर इस prices के कितनी भी क्वान्टिटी सप्लाई की जा सकती है doesn't matter. But अगर इन prices में कुछ भी चेंज हो सक होता है इट विल क्रिएट अनलिमिटेड चेंजेस इन सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओके सो सिंपली जब आपकी इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू वन है इट इज नोन एज द यूनिटरी। जब आपकी इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन है इट इज नोन एज द इलास्टिक जब आपकी सप्लाई इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन वन है इट इज नोन एज इन एंड द हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल सिचुएशन एज देयर इन द केस ऑफ द वर्टिकल सिचुएशन द जीरो इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज देयर

सेम होगी इट कैन बी चेंज नाउ द क्वेश्चन अराइज़ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं वन इज द नेचर ऑफ इनपुट यूज कि जो इनपुट आप यूज कर रहे हैं मेनली प्रोडक्शन के लिए उसका क्या नेचर है द मेन थिंग कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इनपुट इजिली अवेलेबल है उसकी कोई हर्डल्स नहीं आते उसे लेने में तो उसकी सप्लाई जो है हाँ वो ज्यादा इलास्टिक होगी इट मींस चेंजेस इजिली किए जा सकते हैं उसको चेंजिंग रिक्वायरमेंट। उसके इनपुट्स ऐसे हैं जो कॉमन लेवल पर अवेलेबल नहीं होते तो उसकी सप्लाई इन इलास्टिक होगी राइट right? कि वो चीजें ज्यादा अवेलेबल ही नहीं हो सकती आफ्टर दैट द नेचुरल कंस्ट्रेंट अब नेचुरल भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेनली नेचुरल से भी आती है कि कि आप आप ये लगाइए अगर एग्रीकल्चर की चीजों से रिगार्डिंग आप कुछ कोशिश करें सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर मेनली डिपेंड अपॉन द नेचुरल फैक्टर्स राइट एंड देर इज अ पर्टिकुलर रूल्स ऑफ द नेचर इन विच यू कैन जनरेट द थिंग्स आप अपनी मर्जी से उसे जनरेट नहीं कर सकते हैं

Less elastic, क्योंकि आप उसे अवेलेबल ही नहीं कर सकते हो रिस्क टेकिंग ने में ऑनप्रोर की जो ऑंटरप्रन्योर है वो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग रिस्क लेने के लिए विलिंग है या नहीं है अब एक प्रोड्यूसर एक है वो कहते हैं कि नो डाउट आई नो की डिमांड कितनी होगी आई विल जस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ दूनिट्स ऑफ दैट कम्यू तो सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी उनका ऑपोजिट साइड अगर ऑंटरप्रन्योर का नेचर यह है कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसकी सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक होगी क्यों क्योंकि वो लिमिटेड प्रोडक्शन करेगा राइट आफ्टर दैट नेचर ऑफ द commodity। नेचर ऑफ द commodity refers टू कि आप ये लगाए कि जो हमारे गुड्स हैं कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी उसका क्या सिस्टम है विच काइंड ऑफ द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट इज देयर कि अगर प्रोडक्ट जो है वो है, नेचर में मींस कि जल्दी खराब होने वाला है तो उसकी सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक होगी उसमें आप जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकेंगे जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनका एक टाइम पीरियड आ जाता है इट डजेंट मीन कि उनके प्राइजेस हाई हो गए तो उसकी ज्यादा ही ज्यादा सप्लाई होती जाएगी नो no. On the side, कि अगर goods है, जो ड्यूरेबल गुड्स है, kind of है, be है उनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है प्रोड्यूसर उसे अपने पास स्टोर करके भी रख सकता है कि ठीक है जब प्राइजेस ज्यादा होंगे

बट उसको बढ़ाने के लिए आपको नया प्लांट लगाना पड़ेगा और प्लांट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन दैट केस प्रोड्यूसर क्या प्रेफर करेगा प्रोड्यूसर विल नॉट प्रेफर टू प्रोड्यूस द मोर ऑफ द यूनिट्स कि अगर हमें सुपोज एक प्लांट की कैपेसिटी है यूनिट्स आपको पांच हजार यूनिट्स और बनानी है तो आप पांच हजार यूनिट्स बनाने के लिए आप पचास uh, और उस प्लांट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी सुपोज टेन लैख ट्वेंटी लैख तो प्रोड्यूसर इतना बड़ा प्लांट नहीं लगाएगा ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइव थाउजेंड की प्रोड्यूसर को अगर जरूरत पड़ेगी फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है ओनली इन दैट केस द प्रोडूसर विल ट्राई टू प्रोड्यूस और इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर प्लांट तो अगर आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर के लिए उसकी सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक होगी वो ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा टाइम पीरियड टाइम फैक्टर जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि जनरली इट हैपेंड कि जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल uh, हो सकते प्रोडक्शन करने के लिए एज वेल एज सप्लाई को भी इजिली बढ़ाया जा सकता है आफ्टर दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा कि सप्लाई जो है वो लेस uh, इलास्टिक होती है अगर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स है टिपिकल है हाईली एक्सपेंसिव है इन दैट काइंड ऑफ स्टेट अगर एक प्रोड्यूसर को आउटपुट बढ़ाना है तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है इट लीड टू द लेस इलास्टिसिटी इन केस वेन देर इज ए कॉम्प्लेक्स टेक्निक इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन process so these are the mainly seven factors which just affect the level of the elasticity existing in a particular product the nature of input used natural constraint risk taking nature of the commodity cost of production time factor and technique of production so this was the complete chapter of your chapter number of your chapter 11